इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लू होस्ट की। तो ब्लू होस्ट की अगर आप जो है वो क्लाउड होस्टिंग लेना चाह रहे हो, तो क्लाउड होस्टिंग पहली बात की सबके लिए नहीं है। अगर आप क्लाउड होस्टिंग देखोगे तो सबसे पहले इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप पर मंथ भी स्टार्ट करोगे तो देखो $30 से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो $30 का मतलब आप समझ रहे हो अराउंड 2500 के आसपास मिनिमम आपको लग रहा है। तो ये जो है वो क्लाउड होस्टिंग फॉर प्रोफेशनल्स है। अगर आप मेरी बिगनर हो तो आपके लिए नहीं है। अगर आप जो है वो देखो एक से ज़्यादा वेबसाइट्स रन कर रहे हो, 10, 25, 50, तो उस केस में जो है वो क्लाउड होस्टिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन एक वेबसाइट के लिए आप मत जाओ। एक ही वेबसाइट है आपके पास तो आप क्लाउड होस्टिंग मतलब आप जो है वो शेयर्ड होस्टिंग ले लो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी यूज़ है, रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। आप जो है वो यहाँ पे आप लेकिन आप देख लेना कि आपकी जो है वो 125 GB SSD स्टोरेज में काम हो जाएगी या नहीं, या फिर आपको उससे ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए होगा। और सब चीज़ तो दोनों में सेम ही दिखाई दे रही है। लेकिन आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले रखना, और उसके बाद जो है वो स्पीड आपके लिए कितना मैटर कर रही है। तो आप वहाँ से जो है वो 150 CPU कंप्यूट पावर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 75, यहाँ 20 और यहाँ पे 2 है। तो उस हिसाब से भी आप इसको देख लेना। सो आई होप कि छोटा सा मैंने ये जस्ट आपको बताया है कि क्लाउड होस्टिंग काफ़ी महंगी है, नॉट फॉर बिगनर्स। लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते हो ब्लू होस्ट का तो आप ट्राई कर सकते हो। और वहीं अगर आप जो है वो गो डैडी का आप देखोगे तो गो डैडी में जो है वो गो डैडी की जो है वो क्लाउड होस्टिंग भी काफ़ी है, लेकिन वो काफ़ी महंगी है। जैसे अगर मैं इसकी गो डैडी की अगर आपको बात करूँ क्लाउड होस्टिंग की, तो यहाँ पे जो है वो आपको एक बार इसकी भी जो है वो मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ कितनी रहती है। ओके, तो ये तो हो गई एडवांस्ड होस्टिंग में मैं जाता हूँ। तो एडवांस होस्टिंग में इसकी VPS है। तो VPS में अगर आप देखोगे तो VPS जो है वो इसका पर मंथ का जो है वो आपको अराउंड 649, ये 1299, फिर ये आपको लगभग 2700 रुपये, तो ये भी उतने ही पड़ रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सी चीज़ें भी आपको ज़्यादा हैं। सो आई होप कि आपको जो है वो चूज़ करना होगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, नॉट कि अगर आपको किसी ने बस बता दिया है कि देख लो भाई ये वाला बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार आपको लोग रेफरल लिंक दे के वो अपना एफिलिएट इनकम कमाना चाहते हैं, तो उस झंझट में मत पड़ना, वरना आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना। एंड फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप जो वो क्लैरिटी चाहते हो तो आप आचार प्रसंत के वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे आचार प्रसंत रेल की जो है वो यूट्यूब के चैनल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे इनकी जो है वीडियोस रहती है, काफ़ी जो है वो क्लैरिटी भरा इनका जो है वो आंसर्स रहता है। और आप इनके जो है वो गीता सेशन से भी जुड़ सकते हो। और बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, अराउंड जो है वो 50 मिलियन सब्सक्राइबर है। और इनकी ऐप है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप डेली विजडम कंटेंट्स देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बार आप जरूर यूट्यूब पे सर्च करना आचार प्रसंत।